आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सक्सेस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं प्राइम पब्लिक और सरकार, जिसमें हम जानेंगे कि जनता का चुनावी मूड क्या है, आखिर सत्ता में किसको बैठाना चाहती है जनता, जिसके लिए हमारे संवाददाता जा रहे हर क्षेत्र में और जान रहे हैं जनता की राय। तो आपको दिखाते हैं प्राइम पब्लिक और सरकार में जनता की क्या है इस बार विधानसभा 2022 की चुनाव को लेकर राय। आज हम आए हुए हैं नगर पंचायत सकानू में विधानसभा शेखुपुर पे। आइए हम जानते हैं आने वाले विधानसभा 2022 में किसकी सरकार होगी और कौन होगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, जनता की राय क्या कहती है। क्या नाम भैया आपका? क्या नाम आपका? मेरा नाम कैमल अशरफ। 2022 में आप किसकी सरकार चाहेंगे? समाजवादी सरकार आ रही है माननीय अखिलेश यादव की। बीजेपी की क्यों नहीं? बीजेपी ने क्या नाम है झूठे वादे किए हैं, कोई क्या नाम है विकास नहीं किया है और ये सरकार फेल हो चुकी है। किसानों की, नौजवानों की, छात्रों की कोई इस सरकार में सुनवाई नहीं है, इसलिए ये सरकार फेल है। यह सरकार में तो लोगों के लिए, गरीबों के लिए तो बहुत फ़ायदा मिलता, प्रधानमंत्री आवास योजना भी चली थी। प्रधानमंत्री आवास योजना चली थी मगर गरीबों को नहीं मिल पाई है, अपात्र पात्र लोगों को मिली है, वो अपात्र लोगों को मिली है, पात्र लोगों ने मिल पाई। तो जैसे शौचालय भी दिए गए थे सरकार में, शौचालय भी आपके गाँव नगर पंचायत में कई मिले होंगे लोगों के लिए। हाँ, वो जिन लोगों को मिले हैं वो नहीं मिले हैं शौचालय, मगर गरीबों को शौचालय नहीं मिल पाए। जो आपने बोला कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही थी आपात लोगों को नहीं मिले हैं, पात्र को मिले हैं, ये सच है कि क्या नाम है आपात लोगों को ही क्या नाम है आवास मिले हैं। तो आपने देखा यहाँ पे भैया का ये कहना है कि जो मकान योजना चल रही है आपात लोगों को मिला है, पात्र को नहीं मिले। आइए हम बात करते हैं दूसरे भाई लोगों से। क्या नाम है आपका? कली मशरफ। 2022 में आप किसकी सरकार चाहेंगे? जी, सरकार तो उसकी बनेगी जो मुद्दों पे बात करेगा। जैसे आपका कोई मुद्दा? मतलब मुद्दा ऐसा है, अभी कोई भी, जैसे कोई भी चीज़ आ रही है, आपने बताया मकानों का आया, टॉयलेट का आया, वो उसको मिलना चाहिए जिसका हक है। है नहीं, मतलब उसको मिल रहा है ना जो को पहले से मकान या घर, मतलब वही है, क्या नाम है, पार्टी बंदी। हाँ, विपक्ष के हिसाब से, मतलब जो विपक्ष में होता है उसकी कोई भी चीज़ नहीं आती है। तो जो योजना गरीबों के लिए है वो गरीबों के लिए नहीं मिल रही है? नहीं नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं मिल रही। तो आपने देखा जो योजना सरकार मोदी सरकार में गरीबों के लिए निकाली जा रही है वो गरीबों के लिए नहीं मिल रही है। राजनीति धर्म जाति की, मथुरा का कांड ले लीजिए आप, अभी डिप्टी सीएम जो केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने क्या कहा है मस्जिद के बारे में, वहाँ पर पूजा रखेंगे, मतलब ये धर्म और जाति की राजनीति के लिए अलग बात करें ना। तो आपने देखा किस तरह सरकार के खिलाफ जनता होती जा रही है, कुछ स्थितियाँ ऐसी आ रही हैं जो गरीबों के लिए नहीं मिल रही, जबकि योजना गरीबों के लिए है। आइए हम जानते हैं दूसरे भाई लोगों से। भैया क्या नाम आपका? मुख्तार अशरफ। आप किसकी सरकार चाह रहे हैं? समाजवादी की सरकार चाह रहे हैं। बीजेपी की क्यों नहीं? बीजेपी में एक तो इन्होंने, हम किसान ने जी, इन्होंने गाय छोड़ रखी है, वो सब इनका कोई इंतजाम होना चाहिए, हमारे खेतों में फसल हो रही है वही सब खा जा रही है, तो हमें क्या बचेगा? तो गायों के लिए तो योगी सरकार ने गौशाला बनाए रखी है ना, यहाँ तो यहाँ से बदायूं तक चले जाओ, बदायूं से बरेली तक, बरेली से ये फरगाबाद तक, कहीं भी चले जाओ, कहीं भी गौशाला नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा यही है क्यों हमारी फसल ये खा जा रही है, हम रात को यहाँ सो रहे हैं और खेतों में गायें घूम रही है। तो आपने देखा किस तरह इनकी फसल बेकार हो रही है गौ माता की वजह से, जिसकी कोई भी देखभाल करने के लिए कोई अधिकारी कोई कुछ नहीं। इनके ये कोई बढ़िया सा आश्रम खोजा जाए उसमें रखा जाए, सरकार इसकी मतलब तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। गौशाला बनना चाहिए, गौशाला तो हर नगर पंचायत में बनी हुई है, यहाँ देखो, यहाँ आओ आपको दिखाते हैं, कहीं भी कोई भी नहीं बनी हुई, बस इसके नाम पर फंडिंग की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। गौशाला बनना चाहिए, गौशाला तो हर नगर पंचायत में बनी हुई है, यहाँ देखो, यहाँ आओ आपको दिखाते हैं, कहीं भी कोई भी नहीं बनी हुई, बस इसके नाम पर फंडिंग हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है, बस पैसा निकाला जा रहा है सरकार से और कुछ नहीं, सरकार इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। आपने अधिशासी अधिकारी को दी? अरे किसी को भी दे, जो कुछ नहीं हो रहा है, योगी राज चल रहा है, योगी राज चल रहा है। तो आपने देखा किस तरह से जनता गौ माता से परेशान है, फसल दिन पर दिन बेकार होती जा रही है, कोई भी यहाँ गौशाला अभी तक नहीं खोली गई है, लोगों का ये कहना है कि गौ माता रोड पर घूम रही है, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, खेती बर्बाद हो रही है, बहुत सी परेशानी आई। हम बात करते हैं, आप क्या करें? जी, मैं यही बात कर रहा हूँ कि मैं क्या नाम है, फसल हमारी क्या नाम है मारी जा रही है, और यदि योगी जी इस बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं, हम भी किसान के बेटे हैं, खेती करते हैं, क्या नाम है, हमने गेहूँ नहीं बोए हैं इसी चक्कर में, क्योंकि गेहूँ खाई जाती हैं गाय,
क्या नाम है, इसलिए बहुत गाय छोड़ रखी है। मोदी जी का ये कहना है कि अखिलेश सरकार में बहुत कार्यकाल जिला बदायूं में किया गया है, जबकि इनके मौजूद विधायक ने अभी तक इनके लिए कुछ नहीं किया है। आइए हम जानते हैं साफ सफाई को लेकर क्या चल रहा है नगर पंचायत सकानू में। साफ सफाई के बारे में नगर पंचायत में बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, क्योंकि दोनों टाइम झाड़ू लग रही है। ये तो अब खुद तुम खुद ही बताओ कि इतना बड़ा नगर पंचायत सकानू है, यहाँ पर एक इंटर कॉलेज तक नहीं है पढ़ाई के बारे में, और यहाँ बच्चे ऐसे ही खेलते कूदते फिरते हैं, जब उनके लिए कुछ होगा ही नहीं तो वो पढ़ने कहाँ जाएंगे। तो इसके लिए आपने अपने विधायक से रखा था कि इंटर कॉलेज है पढ़ाई के लिए। अरे यार विधायक जो अब फिर बनेंगे, मेडिकल कॉलेज बनेगा, इंटर कॉलेज बनेगा, बजेक्शन आ रहा है, सब कुछ बनाएंगे। कोई सा भी विधायक आ जाए, चाहे वो SP का आ जाए, चाहे वो BSP का आ जाए, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी का आ जाए, किसी का भी आ जाए, या BJP का आ जाए, किसी का भी आ जाए, वो फिर से बनाएगा, क्यों इलेक्शन आ रहा है इसलिए बनाएगा। न वैसे कोई ध्यान नहीं देता है, इलेक्शन को लेकर ध्यान दिया जाएगा, वैसे कोई ध्यान नहीं है, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो आपने देखा पढ़ाई से भी कई बच्चे परेशान हैं, लोगों का ये कहना है कि सकानू में कोई भी इंटर कॉलेज नहीं है, जबकि ये नगर पंचायत है, यहाँ भी एक इंटर कॉलेज होना जरूरी। भाई का ये कहना है कि आने वाला विधानसभा चुनाव नज़दीक होता है। दो हजार 2022 के विधानसभा चुनावों के बिगुल बज चुके हैं। हर राजनीतिक पार्टी अपने अपने दांव पेच जनता के साथ शुरू कर दिए हैं, और अपने जो कार्य विकास कार्य जो किए हैं उसके द्वारा अपने जनता से वोट मांगने का सिलसिला भी अब लगातार शुरू होता जा रहा है। आज हम उसी विषय पर चर्चा करने के लिए ऐतनापुर विधानसभा के क्षेत्र अहारन में आए हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में वो मुख्यमंत्री का ताज किसके सर पर पहनाएंगे। क्या नाम है आपका? भानु प्रताप सिंह। 2022 के चुनाव नज़दीक हैं, सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी ताल ठोक रही हैं, तो मौजूदा सरकार भाजपा की है, इसमें क्या विकास कार्य हुए हैं और कितने संतुष्ट हैं? BJP गवर्नमेंट बहुत बढ़िया कार्य हुए हैं, सड़कें हैं, पानी की सुविधा है, ग्रामीण क्षेत्र में शौचालय, किसान सम्मान निधि की पेंशन, राशन फ्री मिल रहा है। हमारे साथ यहाँ और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि क्या क्या इस जो सरकार जो थी भाजपा की सरकार है, मौजूदा सरकार 4.5 साल का समय पूरा हो चुका है, और क्या क्या उनको इसमें कितना जो सुविधा मिलनी चाहिए थी वो मिली। क्या नाम है आपका? मोहन। अब द्वारा से विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, सभी राजनीतिक पार्टियाँ निकल चुकी हैं वोट मांगने के लिए, आप एक वोटर हो, तो इस जो सरकार जो अभी वर्तमान में है इससे कितने संतुष्ट हो आप? बढ़िया है, अच्छा काम काज चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल में सब ठीक ठाक है। इसमें इस सरकार में राशन फ्री दिया गया है, गैस की योजना दी गई है, सड़कें नाली सारी योजना मिली है आपको? हाँ सब कुछ मिला है, लेकिन आवास वास हमारे यहाँ तो कुछ नहीं मिला है, और सब राशन वगैरह सब फ्री मिल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब कुछ ठीक है फिलहाल में। एक भाई और है मेरे साथ में, उनसे भी जान लेते हैं, क्या नाम है आपका? माधव शर्मा। जो इस समय चुनाव है और सरगर्मियाँ तेज होती जा रही हैं, तो किसके सर पे ताज पहनाएंगे इस बार? देखिए मौजूदा सरकार है वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, हर युवा यही चाहता है कि हमारे गांव में सड़क हो, नालियाँ अच्छी हों, पानी हो, और गरीबों के आवास हो, और राशन भी मिल रहा है, तो नालियाँ और सड़कें वगैरह भी बन रही हैं। लेकिन मैं ये गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि जो भी कस्बा बड़ा है उसमें युवाओं के रोज़गार के लिए एक फैक्ट्री स्थापित की जाए, जिससे कि युवाओं को रोज़गार मिले और वो वहीं की वहीं सेट हो जाएं, उन्हें ज़्यादा अपना भागदौड़ ना करनी पड़े। बाकी काम ठीक ठाक हो रहा है सरकार के, उसमें गरीबों को पेंशन भी मिल रही है, किसान निधि योजना भी है, बाकी सभी घरों में पानी भी है। सरकार का मेन योजना यही है कि हर घर जल होना चाहिए, तो जो फिटिंग वगैरह भी चल रही है ना, ये हर गांव में, छोटे गांव हो चाहे बड़ा गांव हो, पानी हर घर पानी पहुंच रहा है, और टंकियां वगैरह भी बन रही हैं, और सड़कें गलियां ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो आपने केवल ये फैक्ट्री वाली बात क्यों की, रोज़गार नहीं चाहिए? देखिए रोज़गार तभी मिलेगा कि कोई यहाँ गाँव कस्बों में आके जो सिटी में फैक्ट्री खोल रहे हैं वो गांव में अपना इन्वेस्टमेंट करें, और फैक्ट्रियां हैं जो भी हैं, जूते की फैक्ट्री है या बिस्किट की फैक्ट्री है या और भी प्लास्टिक की फैक्ट्री है, वो यहां पर स्थापित करें, जिससे कि लोगों को रोज़गार मिले,
नौकरियां करते हैं लोग, बाहर जाते हैं तो वो उससे संतुष्ट नहीं है। गांव वाले, घर वाले, बुजुर्ग हैं, उनके माता पिता तो नहीं जा पाते हैं, तो इसलिए उनको एक, मैं ये चाह रहा हूँ कि बड़ा कस्बा जो हो उसमें उनको रोज़गार दिया जाए और फैक्ट्रियाँ बनाई जाएँ। तमाम लोग पढ़ाई करते हैं, उच्च शिक्षा लेते हैं और वो तैयारियां करते हैं कि कोई अच्छी नौकरी मिले, लेकिन आपका बिल्कुल बिहेवियर ये है कि नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, रोज़गार मिलना चाहिए क्या? आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैं देखिए इंजीनियर हूँ, मैंने दयालबाग से पॉलिटेक्निक किया हुआ है। तो मैं आपने जो पॉलिटेक्स किया तो किस उद्देश्य से किया था? जी मैंने बिजनेस के उद्देश्य से किया था कि मैं अपना एक बिजनेस खोलूं और इंटरप्रेन्योरशिप को मैं बढ़ावा देना चाहता हूं कि देखिए हर एक माइंड, हर एक आदमी यही सोचता है कि उसको नौकरी मिले, लेकिन मैं चाहता हूं कि नौकरी देने वाला बनूं। नौकरी हर एक कोई ये चाहता है कि पढ़े लिखे नौकरी मिले और अच्छा सेट हो जाऊँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि अच्छा बिजनेस मैन बनो, लोगों को नौकरी दो और एक इंटरप्रेन्योरशिप जिसको बोलते हैं हम, वो चीज़ लाएं, अपना आइडिया निकालें और उसमें अपना इन्वेस्टमेंट करें और लोगों को रोज़गार। क्या लगता है सरकार रोज़गार दे पाएगी जो आपने योजना बताई जिस तरीके से? जी बिल्कुल बिल्कुल चल रहा है, इंटरप्रेन्योरशिप चल रही है और लोग अपने आइडिया को अगर सरकार से शेयर करते हैं तो वो उनको इन्वेस्टमेंट भी देती है और उनको पैसा वगैरह मिलता है, जिससे कि अभी जैसे कि हाल ही में अभी एक परीक्षा हुई थी कुछ दिन पहले, इसका पेपर लीक हो गया था, जब गवर्नमेंट पेपर को ही सुरक्षित नहीं कर पाई तो क्या लगता है कि आपको कि रोज़गार का अवसर मिल पाएगा? देखिए ऐसा होता है कि बहुत से लोग हैं तो वो घूम रहे हैं दलाली के लिए, तो वो दलाली जो कर रहे हैं वो ये काम करते हैं, उन्होंने पेपर को लीक करवाया, जिसकी वजह से सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई कर रही है। और इसको मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि जो भी पेपर के जितने भी पेपर जो जिन्होंने बनाया है या जिन्होंने लीक किया है, वो विभाग के जितने भी आला अधिकारी हैं वो निरस्त हो चुके हैं, आगे भी कार्रवाई चल रही है। कई लोग हैं करीब, कहीं ना कहीं सरकार की जो नाकामी साबित होती है ना इसमें? नहीं देखिए, सरकार की नाकामी तो इसलिए साबित नहीं होती है क्योंकि सरकार कोई ऐसा नहीं चाहता है कि हमारा व्यक्ति, लोग जो स्टूडेंट हैं उनका परीक्षा रद्द हो, इससे कि उनको नुकसान हो। अब एक साल उनका वो भी हो रहा है, लॉस में चला गया। अब चलिए कोई नहीं, एक परीक्षा नहीं, उससे पहले भी और पेपर लीक हुए थे, आपको जानकारी शायद नहीं है उसके अंदर, कई बार हो चुका है सरकार के अंदर पेपर लीक हुए। जो अब चुनाव आ रहे हैं 2022 के, जिस तरह के भाई ने बताया कि नौकरी नहीं चाहिए कोई रोज़गार लगा दे सरकार, तो कितना आपको लगता है कि रोज़गार से फ़ायदा होगा या नौकरी से? नहीं, हमें तो कोई ऐसा फ़ायदा नहीं दिख रहा है, योगी सरकार में ऐसा कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा है। इतने परेशान नजर आ रहे हो आप, तो पता नहीं क्या योगी सरकार का नाम लेते हैं, क्या क्या मतलब क्या परेशानी क्या हो गई? परेशानी है, मान लो कोई रोजगार बताइए हमें, कोई रोजगार युवाओं को मिला हो। अरे भाई ने बताया, अभी हमारे साथ खड़े मौजूद है, अभी भाई ने बताया कि जिस तरीके से राशन मिल रहा है, रोजगार मिले या ना मिले, हर एक बड़े कस्बे के अंदर फैक्ट्री लग जाए तो गुजारा हो जाएगा, सड़क है, जल है, नाली है, पानी है, इसकी व्यवस्था हो जाए, और क्या चाहिए? कौन सी सड़क पक्की हुई है वो बता दीजिए हमें, सिवाय वही लिपा पोती हुई है, इसका नाम चेंज कर दिया, इसका नाम कोई रोड बना हुआ है वो बता दीजिए हम। कहाँ गए भाई साहब? भाई साहब कहाँ गए हमारे भाई साहब? भाई साहब ये इनका कहना है कि कौन सी सड़क बन गई, कौन सा विकास कार्य हो गया ये? देखिए अभी जो श्रीमान जी इस जगह पर खड़े हैं वो देख लीजिए कहाँ सड़क बनी है या नहीं। अभी इसका शिलान्यास बताइए, किसने किया था, कब हुआ था? ये तो जुमलेवाई सरकार है, सड़क बनी है, जुमलेवाई सरकार है, इस सरकार से कोई फायदा नहीं है। आपको कोई सुविधा नहीं मिली, आवास की सुविधा या राशन कार्ड में जो फ्री राशन जो मिल रहा है उसकी योजना का लाभ, कोई लाभ वगैरह मिला नहीं आपको? कोई लाभ नहीं मिला। चलिए हमारे साथ एक भाई और हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि क्या इस बार क्या रुझान है और किस तरफ आपका मूड है। केवल जब सरकार में भैंस खुलेगा बंद, चोरी डकैती बंद, आदमी किसान आराम से सोए रहे, लूट खसोट हो जाए वो बिल्कुल बंद है, दलाली बिल्कुल बंद। अभी हमने कुछ किसानों से ही बात की थी, वो बेचारे बड़े परेशान हैं, बोल रहे थे कि हम रात में टॉर्च लेके निकलते हैं, गाय को देखते हैं, गौशाला है लेकिन गाय नहीं रखते वहाँ, और जो उसका पैसा जो आता है उसका गबन हो जाता है। ये गाय चूड़ी तो हमारी चूड़ी नहीं है, ये सरकार ने तो चूड़ी ना, तो विधायक विधायक MP को छोड़ेगा, ये हम ही लोग छोड़ते हैं,
तो हमारी ये बार्गेनिंग है, उसमें सरकार को वो करना चाहिए ना, नहीं छोड़ने गायों को छोड़ने वाले लोग भी हम जैसे लोग हैं, लेकिन जो योजना बनाई है कि गायों को गौशाला में रखा जाए छोड़ने के लिए, तो हम जैसे समाज में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने माता पिताओं को छोड़ देते हैं लेकिन उनको वृद्धाश्रम बनाए गए वहाँ रखे जाते हैं, तो इस तरीके से वृद्धाश्रम में भी अगर लोग कहते हैं कि हम इनको नहीं रखेंगे अपने यहाँ पर, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? जब गौशाला बनाएंगे तो गाय रहनी चाहिए ना, छोड़ने का मतलब नहीं है कि छोड़े किसने। अब गौशाला आगरा में तो कूले की जमीन जनते नहीं, आपके यहाँ विधानसभा यहाँ इसमें ग्राम पंचायत में गौशाला बनी हुई है, 10-12 गाय नहीं कैपेसिटी के जाम है, 5 तो छूटी डोल लेंगे, एक भी नहीं है उसमें। अब वहाँ में देखू ना तो क्या करना, रख रखाव नहीं है उसमें, रख रखाव नहीं है, क्या कारण है उसमें? रख रखाव व्यवस्था ना है, ये तो अधिकारी स्वीकार किया है इन्होंने कि हाँ गौश की गाय की जो स्थिति है वो खराब है, रख रखाव की व्यवस्था नहीं है, गौशाला तो है सरकारी पैसा लगाया गया लेकिन गौशाला में गाय को रखने की व्यवस्था नहीं है, रख रखाव नहीं है, नाम मात्र के लिए उसमें एक चौकीदार रहता है, जो भूसा का स्टोर है उसको हमने चेक किया था देखा था, उसमें एक विकलांग है जो बेचारा उसमें अपना रहकर जीवन बसर कर रहा है। मेरे साथ में एक भाई और है, इनसे जानते हैं, युवा है, कितने पढ़ लिखे भैया आप? मैं सर BSc करा हुआ हूँ। नौकरी लग गया होगा आपका? नहीं सर, बेरोजगार हूँ अभी फिलहाल तो। इस सरकार में तो रोजगार मिला है, काफ़ी नौकरियाँ मिली हैं। देखिए सर, इस सरकार की तो मुझे पता नहीं है, और अभी इस सरकार के बारे में जो भी है मैं बता रहा हूँ आपको, सब शिक्षित के लिए कुछ नहीं है, अनपढ़ के लिए सब कुछ है, ऐसा है इस सरकार में, शिक्षित के लिए कुछ नहीं है। और रही हमारी बात मास्टर साहब जो कह रहे थे अभी, मास्टर भैया ने भी कहा था ये सड़क बन गई, देखिए किसी के घर फूटा हो उस पर पुताई कर दो तो उसे बनना नहीं कहता है, या तो ईंटों से चुनवा दो, एक दल बैंड डरवा के सब कुछ सही कर दो तो कहते हैं कि हाँ मकान बन गया। अब ऐसे मकान एक दीवार फूट रही है, दो ईंट लेकर रही है, उसमें चार ईंट चुपकवा दो तो मकान बन गया? अभी आप एदमापुर जाइए, तुम्हारे सुबह का खाना एदमापुर तक ऐसा लगेगा कि दोबारा 3 बार खा लूँ पूरा खाना। सड़कें तो गड्ढा मुक्त हो गई भाई, कहाँ बात कर रहे हो आप? अरे सर अभी मैं अभी की बात कर रहा हूँ, आप एदमापुर अभी चलिए मेरे साथ, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। अब टेंडर आज उठ गया हो तो पता नहीं है, नहीं मैं कल भी एदमापुर गया था, अभी कितने नहीं नहीं जैसे भाई पीछे से बोल रहे हैं टेंडर उठ गया, चुनाव आ रहे हैं दोबारा टेंडर उठ गया, बन जाएगी सड़क, उसमें क्या दिक्कत है? तो सर मैं आज वो तो मुझे आज उठ गया तो वो तो मैं कह रहा हूँ ना, आज उठ गया तो पता नहीं है, उन्हीं में कल भी एदमापुर गया था। अरे से ना सर, इनका ये कहना है कि जो अब चुनाव आ रहे हैं इसको देखते हुए सड़कों को बना दिया गया वोट लेने के लिए। बरहन से आवलगेड़ा रूट तैयार है, बन गया बरहन से एदमापुर, इसके लिए पिछले 4.5 साल में क्या किया और काम बहुत कम, अब जब चुनाव आ गए तब तैयारियां हो रही है, पिछले 4.5 साल में आप यहाँ खड़ेगा तो आज कीचड़ रहती है, आप यहाँ खड़े हो जाते कीचड़ रहती। ये भाई का कहना है कि चुनाव की वजह से सड़कें बन रही हैं, चुनाव की वजह से नालियां बन रही हैं, विकास कर हो रहा है, बाकी 4.5 साल का हिसाब किताब मांग रहे हैं। अभी हमारे मां साहब ने कही थी दलाली खत्म हो गई, इस BJP सरकार में कौन सी दलाली नहीं चल रही है बताइए, कहाँ पे दलाली नहीं चल रही है मुझसे बात करो, हर जगह दलाली है। इनका कहना सम्मान से 2000 मिल रही तो हमें तो 500 खर्च करो 15 से मिलते और 2000 तो गए खाते में। देखिए सर ऐसा होता है, अगर क्लास में दो मतलब क्लास में पहली फर्स्ट क्लास में अगर बच्चा कमजोर है तो उसको अगली क्लास में सुधार देते हैं, क्योंकि वो फिर अपना स्कूल का प्रोसेशन तो दिखाना, इलेक्शन आ रहा है आपको उसको सुधारने से क्या हो रहा है, सुधार दे 4 साल पहले पीछे से सुधार के चलते ना तो आगे, अभी ये UP कहाँ तक पहुँचा होता अगर 4 साल से ही पहले से ही मेहनत हो रही होती तो UP कितना आगे होता। जगह जगह बैनर लगे हुए हैं, सोच ईमानदार काम दमदार, क्या कहना सर? बैनर तो देखिए BJP सरकार के ऐसा होता है कि हमें अगर चमक दमक दिखानी है तो कपड़े अच्छे पहनने पड़ेंगे, स्मार्ट बनना पड़ेगा, दाढ़ी टाइम से बनानी पड़ेगी, ग्रूमिंग अच्छी रखनी पड़ेगी तभी हम स्मार्ट दिखेंगे। तो सर स्मार्ट बनने को तो सब कुछ आप भी हैं, आप भी तो मीडिया से हो, अगर आप यहाँ पे फटे पुराने कपड़े पहन के आते हम कह देते अब बहुत अड़िए, अरे ऐसे धक्का मार दिए थे, अब आप साफ सुथरे कपड़े खड़े हो तो हम आपको भी बात कर रहे हैं, आप हमसे बात कर रहे हो, तो सर साफ सुथरे बनने के लिए तो दिखावा तो करना पड़ता है ना सर। बिल्कुल साफ है, जिस तरीके से 2022 के विधानसभा चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पर जो अभी रुझान है जनता का वो अभी कोई क्लियर नहीं है, साफ नहीं है, अब देखना होगा कि मतदाता किस करवट अपना ऊँट लेकर बैठता है। आगरा से अमित शर्मा, Prime TV। तो आपने जाना जनता का चुनावी मूड क्या है, कुछ लोग तो सत्ता को दोहराना चाहते हैं, वहीं कुछ लोग चाहते हैं बदलाव, तो आखिर जनता आखिर में क्या निर्णय लेगी, जनता सरकार का काम देखते हुए फिर से सत्ता में सरकार को ही लाएगी या बनाएगी नई सरकार, कुछ भी आंकड़े हो वो आएंगे चुनाव के बाद, उससे पहले क्या है जनता का चुनावी मूड ये जानने के लिए देखते रहिए Prime Public और सरकार।